फेज लोकोमोटिव पे कार्य कर रहे थे। इसमें एक समस्या है, इसमें एक ट्रबल ये हो गई है कि जब भी कंप्रेसर चलता है तो इसका जो एयर ड्रायर है उससे लीकेज लगातार होता रहता है, लगातार लीकेज हो रहा है। अब लीकेज हो रहा है तो हमें क्या है, इसका एयर ड्रायर को बाईपास करना है। तो एयर ड्रायर को कैसे बाईपास करेंगे वही आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि लीकेज कैसे हो रहा है। थ्री फेज लोकोमोटिव में एयर ड्रायर को बाईपास करने का फार्मूला सेट ने ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है, और ये कैब वन में लोको पायलट साइड में एयर ड्रायर आपको लगा हुआ मिलेगा। और एयर ड्रायर की तीन कॉक हैं, एक आउटलेट कॉक है, एक इनलेट कॉक है, एक बाईपास कॉक है। ये तीन कॉक हैं और ये आपको पूरा यहाँ पे लोको पायलट जहाँ बैठता है ना, लोको पायलट की जस्ट सीट के नीचे थोड़ा सा आगे, जहाँ लोको पायलट लगभग अपने पैर रखता है उसके नीचे आप अंडर फ्रेम आएंगे तो यहाँ पे आपको एयर ड्रायर लगा हुआ दिखाई देगा। और इस एयर ड्रायर से आज लगातार लीकेज हो रहा है और एमआर मेंटेन नहीं हो रहा है, उस कारण हमें इसे बाईपास करना होगा। तो बाईपास करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप आउटलेट कॉक, इनलेट कॉक और बाईपास कॉक तीनों कॉकों को देख लें और समझ लें कॉकों को। तो ये बाईपास कॉक है, सबसे पहले आप बाईपास कॉक को खोल दीजिए। ये बाईपास कॉक को हमने खोल दिया है। बाईपास कॉक को खोल के अब आप इनलेट कॉक को और बंद कर दीजिए। ये इनलेट कॉक है जो सबसे पीछे सबसे अंदर की साइड में लगा हुआ, ये इनलेट कॉक है, इसको हमने बंद कर दिया है। और ये आउटलेट कॉक है, अब हम आउटलेट कॉक को बंद करेंगे। आउटलेट कॉक को बंद कर दिया है, एयर ड्रायर बाईपास हो गया है। एयर ड्रायर के इनलेट और आउटलेट को बंद कर दिया है। इनलेट और आउटलेट बंद करने से ना एयर ड्रायर में हवा आएगी और ना जाएगी। यहाँ पे बिना ड्राई हुए एयर अब बिना एयर ड्रायर के बाईपास होके और सीधी एमआर टैंक में जाएगी। अब एयर ड्रायर में जो लीकेज हो रहा था उससे कोई मतलब नहीं, जब एयर ड्रायर में एयर ही नहीं जाएगी तो वहां पे लीकेज क्या होगा। इसे आपको नॉर्मल करना है तो आउटलेट को खोल दीजिए पहले, बाईपास कॉक को बंद कर दीजिए और उसके बाद में आप इनलेट को भी खोल दीजिए। अब इनलेट को खोल दिया, अब ये नॉर्मल पोजिशन है, एयर ड्रायर में हवा आएगी, एयर ड्राई होगी और तब एमआर टैंक में जाएगी। अब बाईपास एयर नहीं जा सकती है क्योंकि हमने बाईपास कॉक को अभी बंद कर दिया है। और ये इस प्रकार से आपको सील मिलेगी, बाईपास कॉक सील मिलेगी, उसी को आप समझ जाए यही बाईपास कॉक है। तो ये था एयर ड्रायर को बाईपास करने का तरीका थ्री फेज लोकोमोटिव।